हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय। फ्रेंड, आज है 24 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स में बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं सेशन की शुरुआत और देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम आईपीएल 2021 के अपडेट के बारे में जान लेते हैं। अभी आईपीएल 2021 का पांचवा मैच कल संपन्न हुआ है, यानी 23 सितंबर को। और देखिए, इसे पूरे आईपीएल शेड्यूल में देखें तो यह 34वां मैच है और आईपीएल 2021 के अकॉर्डिंग यह पांचवा मैच है। देखिए, किन दो टीमों के बीच हुआ है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ है। देखिए, इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी है। कितने? 7 विकेट से इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी है। इसमें देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दो प्लेयरों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, अर्धशतक की पारी खेली है। कौन कौन है? वेंकटेश्वर अय्यर और दूसरे हैं राहुल त्रिपाठी। इन दोनों ने अर्धशतक की पारी खेलकर इसे मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया है। और देखिए, इसी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और देखिए, कितने अंकों के साथ है? 8 अंक के साथ ये चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां पे मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ छठवें स्थान पर। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। और इसके कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन है? इयोन मॉर्गन है। और देखिए, इसी में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नरेन को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। देखिए, इन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट लिए थे। और देखिए, मुंबई इंडियंस की तरफ से सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए थे, 3 विकेट लिए थे। और इसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा 33 रनों की पारी खेली थी और डिकॉक ने 55 रनों की पारी खेले थे। देखिए, टॉस हारने के बाद मुंबई इंडियंस बैटिंग के लिए उतरी थी और जिसमें ये मुंबई इंडियंस 6 विकेट के नुकसान के साथ 155 रन बनाए थे। और वहीं पे जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात्र ये 15.1 ओवर में 159 रन बनाकर इन्हें करारी शिकस्त दी। तो चलिए, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आईपीएल 2021 के किस टीम के कप्तान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन ए सीएसके, ऑप्शन बी आरआर, ऑप्शन सी एमआई और ऑप्शन डी पीवीकेएस। तो अभी आईपीएल 2021 जो चल रहा है, इसमें किस टीम के कप्तान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान रॉयल्स। देखिए, राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन है? इसके कप्तान है संजू सैमसन। इन पर जुर्माना क्यों लगाया गया है? अभी 21 सितंबर को राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के बीच मैच चल रहा था। देखिए, किसके बीच? पीवीकेएस पंजाब किंग्स के खिलाफ चल रहा था, जिसमें मैच के दौरान इन्हें धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। देखिए,
इन्होंने राजस्थान रॉयल ने पंजाब किंग्स को बहुत थोड़े अंतरों से हराया है। कितने रन से? मात्र 3 रनों से, 3 रनों से पंजाब किंग्स को हराया है। देखिए इसमें भी, इस जीत में अहम भूमिका कौन निभाए हैं? तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने, कार्तिक त्यागी ने अहम भूमिका निभाई है इस जीत के लिए। देखिए क्यों, अंतिम ओवर में 4 रन की जरूरत थी ये पंजाब किंग्स को जीतने के लिए, लेकिन इन्होंने अंतिम ओवर में मात्र 1 रन देकर 2 विकेट लिए थे। किसके किसके? एक लिए थे दीपक हुड्डा के और निकोलस पूरण, इन दोनों के विकेट लेकर इन्होंने इनको 3 रनों की एक छोटी सी अंतर से हराया था। तो अभी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और देखिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? MS धोनी है। मुंबई इंडियंस के कौन है? ये तो रोहित शर्मा है, सब जानते हैं। और पंजाब किंग्स इसके कप्तान कौन है? KL राहुल। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अभी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने बुधवार 22 सितंबर को घोषणा किया है कि अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के लिए बैट्समैन शब्द की जगह बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी किस क्रिकेट क्लब द्वारा? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा यह घोषणा किया गया है कि क्रिकेट में जो बैट्समैन शब्द का इस्तेमाल होता है, अब उसकी जगह पे बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए जो बैट्समैन शब्द है, बैट्समैन ये जो वर्ड है, ये एक मेल वर्ड है, यानी कि मेल जेंडर है, MALE मेल जेंडर है, ये एक मेल जेंडर है। इसे तो केवल पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जो महिला क्रिकेटर है उनके लिए बैट्स वुमेन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। बैट्स वुमेन मीन्स होता है महिला जो बैटिंग करती है। तो इसीलिए ये जो मेल जेंडर वर्ड है इसको हटाकर इसकी जगह पे ये बैटर शब्द BATTER बैटर, देखिए बैटर शब्द जो है ये न्यूट्रल जेंडर है, इसमें ना तो पुरुष और ना महिला को तवज्जो दिया जाता है, एक प्रकार से ये कॉमन वर्ड है। जैसे कि देख लीजिए डॉक्टर, ये डॉक्टर शब्द क्या होता है? ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर फीमेल भी होती है और मेल भी होती है। इसी प्रकार ये एक बैटर भी एक न्यूट्रल जेंडर या कॉमन जेंडर वर्ड है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसकी जगह पे? बैट्समैन की जगह पे। बैट्समैन ये पुरुष के लिए ही होता है, मैन है, और इसका फीमेल का वर्ड क्या होगा? वुमेन होना चाहिए, इसीलिए इन दोनों को कट करके ये बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए अभी एक दुखद घटना है कि अभी हाल ही में हमारे वायुसेना के 2 जवान शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण। देखिए अभी 21 सितंबर को जम्मू संभाग के पटनी टॉप इलाके के शिवगढ़ जंगल एरिया में एक हेलीकॉप्टर थे, उसे उड़ान के दौरान वो क्रैश हो गए, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। कौन कौन हैं? देखिए एक पंचकुला के हैं मेजर अनुज राजपूत हैं, और दूसरे हैं नोएडा के हैं मेजर रोहित, ये है मेजर रोहित, ये दोनों शहीद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी नेमार, ऑप्शन सी किलियन मबाप्पे, ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी इन 4 खिलाड़ियों में से कौन है जो कि साल 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, और इन्होंने साल 2021 में लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं सर्वाधिक कमाई करने वाले।
देखिए अभी फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी रिपोर्ट में 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलरों की टोटल कमाई कितना है इस बार 2021 में? टोटल कमाई है 585 अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉलर ऑस्ट्रेलिया की भी करेंसी है, इसलिए यहाँ पे अमेरिकी डॉलर कहा जाता है। इतनी है इसमें। देखिए इन सारे खिलाड़ियों के जो इनकम टैक्स है वो भी जुड़ा हुआ है, तो ये था। और देखिए पिछली साल यही इनकम कितनी थी टॉप 10 के? 570 मिलियन थी, 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये इतना थी। और देखिए इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की तरफ से खेलते हैं और लियोनल मेसी पीएसजी की तरफ से खेलते हैं, यानी पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलते हैं। और देखिए इस बार जो टॉप 10 खिलाड़ी है सर्वाधिक कमाई करने वाले, उनमें से पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से 3 खिलाड़ी शामिल हैं। कौन कौन है? लियोनल मेसी, नेमार और कैलियन मबाप्पे, ये तीनों पेरिस सेंट जर्मन की तरफ खेलते हैं और टॉप 10 में इन तीनों की कमाई शामिल है। तो अब हम देखते हैं साल 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर। देखिए इसमें क्रम संख्या पहले नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कुल कमाई इनकी कितनी है? 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और देखिए दूसरे नंबर पे है लियोनल मेसी, 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और तीसरे नंबर पे है नेमार, 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनकम के साथ। चौथे नंबर पे है कैलियन मबाप्पे, 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर। पांचवे नंबर पे है मोहम्मद साले, 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और छठवे नंबर पे है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सातवें नंबर पे है एंड्रेस एनिएस्टा, इनकी इनकम है 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आठवें नंबर पे है पॉल पोग्बा, इनकी है 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और नौवें नंबर पे है गैरेथ बेल, इनकी इनकम है 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए दसवें नंबर पे है ईडन हाजर्ड, 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दसवें नंबर पे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।